हम सबका यह सौभाग्य भी है और हमारे लिए गर्व का विषय भी है कि आज 5 अगस्त को दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों की इच्छा पूरी हो रही है, क्योंकि आज श्री राम प्रभु के मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा किया जा चुका है। प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बने यह लोगों की वर्षों से मुराद थी, यह आज पूरी हुई है। सैकड़ों वर्षों का संघर्ष था जो आज इस स्वरूप में परिणित हुआ है। श्री राम मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास होना और उसका आगे निर्माण होना, यह निश्चित रूप से शांति और सद्भाव का संदेश देने वाला है, क्योंकि राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनके जीवन चरित्र से हम सबको यही सीखने को मिलता है कि उनके द्वारा बताए हुए आचरण पर चलकर हर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक और उत्कृष्ट बना सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु राम मंदिर के निर्माण के बाद लोग अयोध्या आएंगे और अयोध्या में प्रभु के दर्शन करेंगे, अपने जीवन को भी सार्थक करेंगे और समाज में जो उनकी भूमिका है उस भूमिका को भी ठीक प्रकार से निर्वाह करने में सफल होंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।